मोहतरम सामीन ग्रामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के हवाले से चंद खुतबात से आपके सामने गुजारिशात को रख रहा हूँ। सीरतुन्नबी का ये जो मौजू है ये नहायत अहमियत का हामिल है। इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया की जो खसूसियात हैं वो मौजज़ात के आगे सीरत निगार जो बयान करते हैं वो भी मौजज़ात के ज़िमन में बयान की जाती हैं कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाले मौजज़ात बाकी अम्बिया से मुमताज़ थे, बाकी अम्बिया से जुदा थे, ज़्यादा थे, इसी तरह उम्मत मुहम्मदिया को जो खसूसियात मिली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की वजह से ही हैं। इंशाअल्लाह मौजज़ात के अबवाब को तेज़ी से मुकम्मल करके उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियात को भी इसी ज़िमन में कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द बयान किया जाए, और उसके बाद इंशाअल्लाह सन 2 हिजरी के जहाँ से सीरत के बाप को हमने छोड़ा वहाँ से मुत्तसिल करेंगे। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ पेशीन गोइयाँ, बाज़ दुआएँ, बाज़ मौजज़ात तो इतने मुहय्यरुल अकूल हैं कि आज 1400 बरस भी बीत जाएँ तो इंसान हैरान रह जाता है। यमन के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाइदीन को, मुबल्लिगीन को भेजा था, और उनमें आपको पता है हज़रत अली और मुआद इब्ने जबल भी शामिल थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा है मुआद, कोई और निशानी ना बतलाई, जब तुम यमन में पहुँचोगे तो जिस जगह तुमने मस्जिद बनानी है फलां फलां पहाड़ को अपने दाएँ हाथ पर रख लेना, यानी फलां पहाड़ तुम्हारे दाएं हाथ में जब आ जाए तो उस वक़्त उस रूह में मस्जिद को बना देना। आज भी सनआ के मकाम के ऊपर यमन में वो मस्जिद मौजूद है कि जिसके पत्थर मुआद इब्ने जबल ने और हज़रत अली ने रसूलुल्लाह की हदायत के मुताबिक पहाड़ को दाएं हाथ में लेके रखे थे। अब ये बताइए, 1400 बरस पहले तो जिहाद होती थी, सिमतें होती थी, यानी पाकिस्तान का या बरेसगीर का या इस इलाके का जो शख्स है वो मगरब की तरफ मुंह कर ले, और हकीकत भी यही है। बाद लोग इस बारे में बड़ी हिसासियत का मुजाहरा करते हैं, ये कोई हिसासियत की बात नहीं है कि एंगल भी, डायमेंशन भी, डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। मगरब की तरफ आपका चेहरा हो तो मगरब आपको पता है 2 इंतहाओं के दरमियान का नाम है, और बड़ा लंबा चौड़ा एक फासला होता है मगरब के माबैन, बस मगरब की तरफ हो इस इलाके में तो आपका रूह किबला रूह है, ये एक आम सी बात है। लेकिन आज दौरे हाजर में सैटेलाइट के सिस्टम के दौर में जब बाद मुसलमान मुअर्रखीन ने, जुग्राफिये को जानने वालों ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुनने के बाद उस मस्जिद से खाना काबा की डायरेक्शन नापने की कोशिश की, आप हैरान रह जाएंगे, आज भी उस मस्जिद की सिमत इतनी स्ट्रेट लाइन में खाना काबा के ऊपर है कि खाना काबा के सेंटर से उस मस्जिद में इमाम खड़े होने की जगह आ जाती है। जो 1400 साल कबल सिर्फ डायरेक्शंस थी, सिर्फ जिहाद थी, तो क्या इस तरह की वादे निशानियां देखने के बाद भी आपका ईमान नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ऊपर बढ़ता? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू कतादा को, आपको पता है जनाब अबू कतादा नमाज के कितने हरीस थे और नमाज से कितनी मोहब्बत किया करते थे, शदीद गरज चमक थी, बारिश थी, और आपको पता ये भी इस्लाम की एक सुन्नत है कि मुअज्जिन बारिश के अय्याम में अजान में ये भी कह सकता है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मस्जिद में आना चाहे वो आएगा, उसको आने की इजाज़त है। तो अबू कतादा एक ऐसी ही रात में ईशा के वक़्त गरज चमक और तूफ़ान के अंदर मस्जिद नबी में पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के मुस्कुराने लगे, अबू कतादा घर में नमाज नहीं पढ़ी, आज तो अल्लाह की तरफ से रुख्सत थी, आज तो छूट थी, आप इस आलम में भी मस्जिद में आ गए हैं? जी अल्लाह के रसूल मैं आ गया हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, फिर ये एक छड़ी पकड़ लिए, आप जब घर से निकले थे आपके घर में एक शैतान दाखिल हो गया था, और ये जो अहादीस होती हैं इनके अंदर भी हिफाजत के, तदाबीर के मुख्तलिफ असबाक, अगरचे है बाब मौजज़ात का लेकिन मुख्तलिफ असबाक फिक ही छुपे होते हैं। जैसे मुअज्जिन अज़ान में कह भी दे कि अगर आपने अपने घरों में नमाज पढ़नी है फिर भी अगर कोई मस्जिद में आए उसको पर तान और तनकीद नहीं हो सकती, वो मस्जिद में आना चाहे आएगा, इमाम उसको जमात से नमाज पढ़ाएगा, एक फिकी कायदा ये। दूसरी बात यह कि घर से निकलते वक्त
اور گھر میں داخل ہوتے وقت چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے. آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ مجربات اور مشاہدات کئی مرتبہ اس باب میں ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہ تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ جب تک بسم اللہ پڑھ کے الماری کو تالا نہ لگایا جائے یا بسم اللہ پڑھ کے چیز کو نہ ڈھانپا جائے یا بسم اللہ کتنی بڑی چیز ہے بسم اللہ بسم اللہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ آپ چاہتے ہیں حفاظتیں ہوں تو آپ بسم اللہ کے ساتھ الماری کو لاک کیا کیجئے, بسم اللہ کے ساتھ دروازہ کھولیا کیجئے, بسم اللہ کے ساتھ دروازے بند کیا کیجئے. گھر سے نکلنا بھی ہو اللہ کی سپرد کہہ کے بسم اللہ کر کے لاک لگا کے آیت الکرسی پڑھ کے نکل جائیے. ابو قتادہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نکل آئے تو آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہو گیا تھا. اب یہ میں آپ کو چھڑی دیتا ہوں, اب یہ بادل ہیں, تاریکی ہے, اندھیرا ہے, گرج چمک ہے, بارش ہو رہی ہے. آپ اس لاٹھی کو جب سیدھا کریں گے مسجد سے باہر لے کے جائیں گے یہ لاٹھی 10 ہاتھ روشن ہو جائے گی. آج ہمارے ہاتھوں میں ٹارچ تو ہوتی ہے, آج کے دور میں شاید یہ کوئی بہت بڑی بات نہ سمجھی جائے, لیکن بتائیے اس دور میں کیا ٹارچز کا, روشنی کے اس طرح کے انسٹرومنٹس کا, آلات کا کوئی تصور موجود تھا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں 10 ہاتھ تیرے آگے روشنی ہو جائے گی, جس طرف گھمائے گا روشنی ہو جائے گی, اور اس لاٹھی سے پھر اس شیطان کو بھگا دینا اپنے گھر سے. ابو قتادہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں میں نے ایک ہار پشت دیکھا جس کو ہم ادھر پاکستان میں سہ کہتے ہیں, جس کے پیچھے پشت کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں, سہ عام الفاظ میں کہا جاتا ہے. وہ ہار پشت ان کے گھر کے اندر چھپا بیٹھا تھا تو ابو قتادہ نے لاٹھی لے کر اس ہار پشت کو بھگا دیا.